भारत के T20 विश्व कप जीतने के बाद देश भर में हर तरफ जश्न का माहौल है, हर तरफ आतिशबाजी हो रही थी। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी भारत जीत का जश्न मनाने के दौरान आतिशबाजी हो रही थी। लेकिन इस आतिशबाजी के बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे खुशी का माहौल गम में बदल गया। दरअसल आतिशबाजी के दौरान एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया गया है कि जबलपुर में जश्न के पटाखे फोड़े जा रहे थे, इस दौरान एक स्टील का टुकड़ा बच्चे के पेट में घुस गया जिससे उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना जबलपुर जिले के गोलखपुर इलाके की है। गोलखपुर पुलिस थाना प्रभारी प्रतीक्षा मार्को ने इस मामले में कहा कि कुछ बच्चे टीम इंडिया की जीत के जश्न में पटाखे फोड़ रहे थे। इसी दौरान कुछ बच्चों ने पटाखे को एक स्टील के ग्लास से नीचे रखा था और विस्फोट के कारण स्टील ग्लास के टुकड़े हो गए। इस दौरान एक टुकड़ा कुछ दूर खड़े दीपक कुमार नाम के एक बच्चे के पेट में घुस गया। अधिकारी ने बताया कि 5 साल के दीपक को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आगे बताया गया कि बच्चे एक दिन पहले T20 विश्व कप में भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़ रहे थे। पुलिस फिलहाल CCTV फुटेज की जाँच कर रही है। फुटेज आने के बाद इस मामले की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि शनिवार को वेस्ट इंडीज के बाबरडोस में खेले गए T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में T20 इंडिया ने रोमांच तरीके से साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हरा दिया और विश्व कप को अपने नाम किया था।